गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फार्मेसी एंड पावर के अंतर्गत दूसरा लेक्चर, ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना है आईसी इंजन और इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, और कंपैरिजन ऑफ टू स्ट्रोक्स एंड फोर स्ट्रोक साइकिल इंजन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इंजन, इंजन क्या होता है हमें ये जानना बहुत जरूरी है। इंजन, एन इंजन इज अ मशीन हैविंग मूविंग पार्ट्स एंड डिजाइन टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी टू गिव अस द डिजायर वर्क आउटपुट। मीन्स कहने का मतलब ये है कि इंजन जो है एक प्रकार का मशीन है जिसमें मूविंग पार्ट्स लगे रहते हैं और वो ऐसा डिजाइन किया रहता है, किया जाता है कि किसी भी एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट कर सके और हमें ऐच्छिक कार्य दे सके, ठीक है, जैसा हम चाहे वैसा कार्य हम उस इंजन से ले सके, ठीक है। अगला डिफिनेशन है, इट इज कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक प्रकार के एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, किससे, मशीन से। मशीन क्या है, किसी एक फॉर्म के एनर्जी को, किसी भी प्रकार के एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसी प्रकार नेक्स्ट डिफिनेशन है, इट इज कन्वर्टिंग थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी मीन्स जब फ्यूल हमारा बर्न होता है तो वो क्या प्रोवाइड कराता है, थर्मल एनर्जी, ठीक है, इंटू मैकेनिकल एनर्जी, किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। मीन्स इंजन हमारा थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आर पावर टू प्रोड्यूस फोर्स एंड मोशन, या तो पावर पैदा करता है, ठीक है, ठीक। अब हम आते हैं हीट इंजन, अब हम समझेंगे हीट इंजन क्या होता है। व्हाट इज हीट इंजन, हीट इंजन इज अ मशीन फॉर कन्वर्टिंग हीट इंटू यूजफुल वर्क, ठीक है। वो हीट कहाँ से आता है, डेवलप बाई बर्निंग फ्यूल, ईंधन के जलने से जो हीट हमारा आता है उसे कन्वर्ट करता है किसमें, यूजफुल वर्क में, ठीक है। इट कैन बी सेड डैट हीट इंजन इज अ इक्विपमेंट विच जनरेट थर्मल एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म्स इट इंटू मैकेनिकल एनर्जी, या कहा जा सकता है कि हीट इंजन एक प्रकार का इक्विपमेंट है, ठीक है, जो थर्मल एनर्जी जनरेट करता है और इसको मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है। अब हम देखेंगे कि हीट इंजन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन है एक्सटर्नल कंबसन इंजन और सेकेंड वन है इंटरनल कंबसन इंजन। जो हमारा एक्सटर्नल कंबसन इंजन है वो स्ट्रीम टाइप का होता है, ठीक है, और जो हमारा इंटरनल कंबसन इंजन है उसे तीन प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से, बेस्ड ऑन फ्यूल यूज्ड, मीन्स जो हमारा इसमें ईंधन यूज होता है उसके आधार पे हमारा इंटरनल कंबसन इंजन तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन एंड गैस इंजन, थर्ड वन। और जो हमारा नेक्स्ट वन है किसके आधार पे रखा गया है इंटरनल कंबसन इंजन को, बेस्ड ऑन इग्निशन ऑफ फ्यूल, जो इंजन के अंदर हमारा फ्यूल जलता है उसके आधार पे इंजन को, कौन से इंजन को, इंटरनल कंबसन इंजन को दो प्रकार के होते हैं उसके आधार पे, ठीक है। पहला है स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसे हम कार्बोरेटर टाइप इंजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वन है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जिसे हम इंजेक्टर टाइप इंजन भी बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन वर्किंग साइकिल, मीन्स इंटरनल कंबसन इंजन जो है हमारा, जिसमें कार्य के आधार पे इसको, ये दो प्रकार के होते हैं, फोर स्ट्रोक इंजन एंड टू स्ट्रोक इंजन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे और डीप में समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो
सबसे पहले हमें जानना जरूरी है एक्सटर्नल कंबसन इंजन, ठीक है। ये तीन वर्ड एक्सटर्नल कंबसन इंजन मीन्स बाह दहन इंजन, इन तीन वर्ड को अगर हम सही से जान गए तो ये पूरी थियोरी जो है हमें एक मिनट में समझ में आ जाएगी। इंजन, इंजन क्या होता है, अभी हम बात किए हैं इंजन का कि कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कंबसन मतलब कि ईंधन का जलना, एक्सटर्नल मीन्स बाहर। कहने का मतलब ये है कि जब कोई ईंधन इंजन से बाहर जलता है, ठीक है, और वो पावर पिस्टन को देता है, ठीक है, पावर इंजन को देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंबसन इंजन। हेयर द कंबसन यूजेस हीट इन फॉर्म ऑफ स्ट्रीम विच इज जनरेटेड इन बॉयलर लोकेटेड आउटसाइड द इंजन एंड अलाउड इट इनटू द सिलेंडर टू ऑपरेट द पिस्टन टू डू द मैकेनिकल वर्क। देखिए यहाँ पे हमारा ईंधन है, ठीक है, ये जल रहा है, कहाँ पे, इंजन हमारा यहाँ पे है, लेकिन ईंधन हमारा कहाँ जल रहा है, इंजन से बाहर, ठीक है। सिलेंडर ये है हमारा, लेकिन हमारा जो ईंधन जल रहा है सिलेंडर से, इंजन से बाहर जल रहा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, वाटर को हीट कर रहा है। जब वाटर हीट होता है तो स्ट्रीम फॉर्म में ये हमारे सिलेंडर में आता है, जिसके मदद से, ठीक है, पिस्टन अप एंड डाउन, ठीक है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन में स्लाइड कर रहा है, किसमें, सिलेंडर में, ये देख रहे हैं सिलेंडर में पिस्टन हमारा अप एंड डाउन मोशन में, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन में स्लाइड कर रहा है, जिससे हमारा क्रैंकशाफ्ट कनेक्टिंग रॉड यहाँ से, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंकशाफ्ट को कनेक्ट किया है, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट कनेक्ट हुआ इससे। तो जब हमारा क्रैंकशाफ्ट रोटेट हो रहा है तो हम कोई भी वर्क ले सकते हैं इस इंजन की मदद से, ठीक है। तो एक्सटर्नल कंबसन क्या होता है ये आप लोग समझ लिए, अब आते हैं इंटरनल कंबसन इंजन, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डियर स्टूडेंट आईसी इंजन, ठीक है, मींस आंतरिक दहन इंजन। आंतरिक दहन इंजन जैसा कि हम एक्सटर्नल कंबसन इंजन के बारे में पढ़े थे, ऐसे ही इंटरनल कंबसन इंजन है, ठीक है, मतलब कि जिस इंजन में, ठीक है, कंबसन कहाँ हो, सिलेंडर के अंदर, ठीक है, इंजन के अंदर ही कंबसन हो, मतलब जले ईंधन कहाँ, सिलेंडर के अंदर ही, उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल कंबसन इंजन, ठीक है। थोड़ा हम इसे और डीप से समझते हैं, एन इंटरनल कंबसन इंजन द कंबसन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस कहाँ, इनसाइड द इंजन सिलेंडर एंड हीट इज जनरेटेड विद इन द सिलेंडर, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कंबसन हमारा सिलेंडर के अंदर ही होता है और हीट सिलेंडर में ही जनरेट होती है, ठीक है। इट यूजेस द एक्सपेंसिव फोर्सेस ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल विद इन द सिलेंडर, ठीक है। ये क्या करता है, फ्यूल के जलने से सिलेंडर के अंदर ही फोर्सेस को पैदा करता है, ठीक है, विद इन द सिलेंडर जनरेटेड हीट इज कन्वर्टेड इंटू यूजफुल पावर बाई पिस्टन। जो हीट सिलेंडर में जनरेट होती है, पैदा होती है, उसे पिस्टन के माध्यम से, ठीक है, पिस्टन के माध्यम से यूजफुल पावर में लेते हैं, कंस्ट्रेनेड विद इन द सिलेंडर, जो कि पिस्टन कहाँ लगा रहता है, सिलेंडर में, ठीक है। द मोशन ऑफ द पिस्टन रोटेट्स अ क्रैंकशाफ्ट, जो पिस्टन का मोशन रहता है वो किसको रोटेट करता है, क्रैंकशाफ्ट विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रॉड, और क्रैंकशाफ्ट किससे कनेक्ट होता है, कनेक्टिंग रॉड से, एंड दस मैकेनिकल वर्क इज डन। इस प्रकार हमारा मैकेनिकल वर्क क्या होता है, डन होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इंटरनल कंबसन इंजन क्या है, सिलेंडर के अंदर ही, ठीक है, पिस्टन के ऊपर, सिलेंडर के अंदर, ठीक है, सपोज डेट ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, ये हमारा सिलेंडर है, पिस्टन मान लीजिए हमारा ये है, ठीक है, ये पिस्टन है हमारा। तो क्या है,
हमारा फ्यूल इसी सिलेंडर में ही बर्न होता है, ठीक है। और ये पिस्टन जब ये इसमें जब हीट जनरेट होगा तो क्या है, प्रेशर भी जनरेट होगा। इसी प्रेशर के माध्यम से हमारा पिस्टन अप डाउन एंड अप फॉर्म में रोटेट करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनल कंबशन इंजन में फ्यूल हमारा सिलेंडर में ही बर्न होता है, ठीक है, और वो पावर उसमें प्रेशर इतना जाता है कि पिस्टन जो है हमारा अप एंड डाउन मोशन में रोटेट करता है। तो इस पिस्टन को हम किससे, क्रैंकशाफ्ट से, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट करते हैं। और क्रैंकशाफ्ट किस, पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए हमें कनेक्टिंग रॉड का यूज करते हैं। और जब हमारा क्रैंकशाफ्ट सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है तब हम मैकेनिकल वर्क उससे ले सकते हैं, ठीक है। जो आईसी इंजन है वो कहाँ यूज होता है, व्हीकल में, ठीक है, सबके घर पे बाइक होगी, ये बाइक के ही इंजन है, ठीक है, आईसी इंजन है ये सब, ठीक है ना, सबके घर पे बाइक होगी और आईसी इंजन सबके घर पे है, तो आप उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख सकते हैं कि वो कैसा है, कहाँ यूज होता है, ठीक। बोट में यूज होता है, शिप में, एयरप्लेन्स में एंड ट्रेन्स में, मतलब इन सब जगहों पे आईसी इंजन का यूज होता है। तो आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख सकते हैं कहाँ पे, अपने घर पे, ठीक है, बाइक घर पे होगी, आप उसमें देखिए कैसा होता है, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आईसी इंजन। और आगे थोड़ा सा इसका और डिटेल पढ़ेंगे, इसके पार्ट पढ़ेंगे और सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आईसी इंजन, ठीक है, आईसी इंजन कैसा होता है, अब ये देखिए, ये क्या है हमारा सिलेंडर, क्या है सिलेंडर, जिसमें ये हमारा पिस्टन है, ठीक है, अप एंड डाउन मोशन में रोटेट होता है। जो अभी हम बताया कि ये कनेक्टिंग रॉड है, ठीक है, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना, यही अभी हम बात कर रहे थे, पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से ये हमारा क्रैंकशाफ्ट है, कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो ये हमारा सिलेंडर है जिसमें पिस्टन अप एंड डाउन मूव हो रहा है, ठीक है, सिलेंडर ये पूरी चीज, ठीक है, और पिस्टन ये वाला पोर्शन, पिस्टन रिंग्स, पिस्टन रिंग्स जो पिस्टन के सर्कमफेरेंशियल ग्रुप्स में, जो इसमें ग्रुप्स बने रहते हैं उसमें लगे रहते हैं पिस्टन रिंग्स, ठीक है। ये हमारा वाटर जैकेट्स है जिसमें ये वाटर फिलेड है, ये फ्लाई व्हील है, ये कनेक्टिंग रॉड है जो पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट करता है, और ये हमारा क्रैंकशाफ्ट है, ये हमारा क्रैंकशाफ्ट है, और ये कैमशाफ्ट है। कैमशाफ्ट का वर्क क्या होता है, एग्जस्ट वाल्व और इंटेक वाल्व को ऑपरेट करता है, ठीक है, ये टाइमिंग गियर्स है, एग्जस्ट वाल्व है और इंटेक वाल्व है, और ये स्पार्क प्लग है जो हमारे फ्यूल को इग्नेट करता है, ठीक है। एग्जस्ट वाल्व गैसेस निकालने के काम में आती हैं, और इंटेक वाल्व जो होता है इसी में से हमारा फ्यूल जो है सिलेंडर में आता है, ठीक है। ये देखिए, ये बाइक का इंजन है, ठीक है, ये ओपेंड इंजन है, देखिए ये हमारा पिस्टन है, इसमें ये है हमारा क्या, स्पार्क प्लग, ठीक है, ये स्पार्क प्लग इसी से इग्नेट होता है। आईसी इंजन को थोड़ा और जानते हैं, आईसी इंजन कन्वर्ट द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू रोटरी मोशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट बाय मींस ऑफ कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आईसी इंजन क्या है, पिस्टन जब अप एंड डाउन मूव हो रहा है सिलेंडर में तो वो कौन सा मोशन है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, कौन सा मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, रोटरी मोशन में, किसके माध्यम से, ये हमारा क्रैंकशाफ्ट है, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट सॉरी ये हमारा कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड जो हमारा क्रैंकशाफ्ट को कनेक्ट किया हुआ है, तो कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंकशाफ्ट को रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो आईसी इंजन का क्या काम है, पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में क्रैंकशाफ्ट
के रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मींस इट इज कन्वर्ट द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू द रोटरी मोशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। द पिस्टन विच रेसिप्रोकेटिंग इन द सिलेंडर इज वेरी क्लोज फिट इन द सिलेंडर, ठीक है, वेरी क्लोज फिट। पिस्टन हमारा जब इस सिलेंडर में फिट होता है, ठीक है, ये बहुत ही टाइट रहते हैं, जो ये क्यों अभी और जानते हैं आगे। रिंग्स आर इंसर्टेड इन द सर्कमफेरेंशियल ग्रुप ऑफ द पिस्टन टू प्रिवेंट द लीकेज, क्या रोकने के लिए, लीकेज ऑफ गैसेस फ्रॉम द साइड ऑफ द पिस्टन। जो ये हमारे रिंग्स हैं, ये पिस्टन में यहाँ पे सर्कमफेरेंशियल जो ग्रुप्स बने हुए हैं इसमें फिट होते हैं, क्यों, गैसेस के लीकेज को रोकने के लिए, ठीक है। अगर ये टाइट फिट नहीं होगा सिलेंडर में तो क्या है, इसमें कंप्रेशन नहीं होगा, ठीक है, प्रेशर जनरेट नहीं होगा, गैसेस जो है लीक हो जाएंगे। इसलिए जो ये रिंग्स है इस पिस्टन में बहुत ही अच्छे तरीके से बैठाया जाता है, जिससे गैसेस वगैरह ना लीक हो, ठीक है। द कंबसन स्पेस इज प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द सिलेंडर वेयर द कंबसन टेक प्लेस। कंबसन स्पेस कहाँ होता है आइस इंजन में, यहाँ पे टॉप ऑफ द सिलेंडर पे, ठीक है। हमारा ये इंटेक वाल्व है, ठीक है, स्पार्क प्लग है, तो जब यहाँ पे फ्यूल हमारा टॉप पे ही आएगा, ठीक है, जब हमारा पिस्टन कंप्रेस करते हुए ऊपर जाता है तो स्पार्क प्लग के माध्यम से क्या होता है, फ्यूल बर्न होता है और एग्जॉस्ट गैसेस यहीं ऊपर से एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से आउट हो जाती हैं, ठीक है ना। द कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट द पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट, क्या ये हमारा कनेक्टिंग रॉड है, क्या करता है ये, कनेक्ट करता है किसको, पिस्टन को और क्रैंकशाफ्ट को, ठीक है। यहाँ पे ये पिस्टन देखिए कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट है, ठीक है। द एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड कनेक्टिंग द पिस्टन इज कॉल्ड स्मॉल एंड, जो हमारा इसका छोर है जिससे ये पिस्टन हमारा कनेक्ट हुआ है उसे क्या बोलते हैं, स्मॉल एंड, ठीक है। अ पिन कॉल्ड गजन पिन इज प्रोवाइड फॉर कनेक्टिंग द पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड। गजन पिन क्या होता है, जो पिस्टन को और कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करे, कहां पे, ये जो होल देख रहे हैं यहां पे हमारा क्या लगता है, गजन पिन, ठीक है। द अदर एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड कनेक्टिंग द क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, और जो ये वाला हमारा हिस्सा है कनेक्टिंग रॉड का, ये किसको कनेक्ट करता है, क्रैंक शाफ्ट को, और इसको क्या बोलते हैं, जब यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड से हमारा क्रैंक शाफ्ट कनेक्ट होगा तो इसको हम बोलते हैं बिग एंड, ठीक है। व्हेन पिस्टन इज मूव अप एंड डाउन द मोशन इज ट्रांसमिटेड टू क्रैंक शाफ्ट बाय द कनेक्टिंग रॉड एंड द क्रैंक शाफ्ट मेक रोटरी मोशन, ठीक है। जब पिस्टन हमारा अप एंड डाउन मूव होगा, ठीक है, तो उस समय क्या अभी हम बताएंगे, रेसिप्रोकेटिंग मोशन वो होता है, जब अप एंड डाउन मूव करेगा हमारा पिस्टन, अप एंड डाउन मूव कर रहा है तो उस समय क्या जनरेट हो रहा है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो हम पिस्टन के जो आईसी इंजन है, पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कन्वर्ट करता है किसमें, रोटरी मोशन में, ठीक है, किसके माध्यम से, कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से, जो ये कन्वर्ट कर रहा है किसमें, रोटरी मोशन में, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल कंबसन इंजन, ठीक है, आईसी इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, ये कैसे कार्य करता है हमारा आईसी इंजन, ये देखेंगे। तो सबसे पहले है, अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल विथ करेक्ट अमाउंट ऑफ एयर इज एक्सप्लोडेड, ठीक है, इन एन इंजन सिलेंडर विच इज क्लोज्ड एट वन एंड, ठीक है, एयर फ्यूल का सही मिश्रण, ठीक है, सिलेंडर में जो एक हिस्से पे बंद होता है, क्या होता है, एक्सप्लोडेड होता है, मतलब वो जलता है, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सप्लोजन, ठीक है, मतलब इस एक्सप्लोजन से, मतलब इस फ्यूल के जलने से, ठीक है, ईंधन के जलने से हीट इज
रिलीज्ड एंड दिस इज कॉजेज द प्रेशर ऑफ बर्निंग गैसेज टू इंक्रीज। ठीक है, इस ईंधन के जलने से ठीक है क्या है, हीट रिलीज होता है और इसके कारण से जो है प्रेशर हमारा बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीज होता है कहाँ, सिलेंडर में। ठीक है, दिस प्रेशर फोर्सेस अ क्लोज फिटिंग पिस्टन टू मूव डाउन द सिलेंडर। इस प्रेशर के कारण ही क्या है, पिस्टन हमारा सिलेंडर के नीचे आता है। ठीक है, द मोमेंट ऑफ पिस्टन इज ट्रांसमिटेड टू क्रैंकशाफ्ट। पिस्टन का जो मोमेंट है वो क्रैंकशाफ्ट को ट्रांसफर किया जाता है बाय अ कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, एक कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट करके पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को, पिस्टन का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उससे हम क्रैंकशाफ्ट को रोटरी मोशन में लेते हैं। सो दैट द क्रैंकशाफ्ट रोटेट एंड टर्न्स अ फ्लाई व्हील कनेक्टेड टू इट। इस मतलब जब कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से हम क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करेंगे तो क्या होगा, हमारा क्रैंकशाफ्ट रोटेट होने लगेगा और वो फ्लाई व्हील को रोटेट करता है। ठीक है, पावर इज टेकन फ्रॉम द रोटेटिंग क्रैंकशाफ्ट टू डू द मैकेनिकल वर्क। ठीक है, जब हमारा क्रैंकशाफ्ट रोटेट होने लगा तो हम मैकेनिकल वर्क उससे पावर लेके कर सकते हैं। ठीक है, टू ऑब्टेन कॉन्टिन्यूअस रोटेशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट द एक्सप्लोजन हैज टू बी रिपीटेड कंटिन्यूसली। हमें क्रैंकशाफ्ट का कंटिन्यूअस रोटेशन करने के लिए ये हमारा जो फ्यूल बर्न हो रहा था सिलेंडर में वो वाला प्रोसेस वहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, वो प्रोसेस शुरू से करना पड़ेगा। मतलब कि हमें ईंधन सिलेंडर में लगातार रिपीटेड कंटिन्यूसली मतलब लगातार जलाना पड़ेगा। ठीक है, बिफोर द एक्सप्लोजन टू टेक प्लेस द गैसेस यूजेज आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द सिलेंडर। ठीक है, दोबारा जो ईंधन जलने से पहले ही जो गैसेस यूज हैं वो सिलेंडर से क्या है बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, फ्रेश चार्ज ऑफ द फ्यूल एंड एयर आर एडमिटेड इनटू द सिलेंडर। फ्रेश चार्ज कहने का मतलब ये है कि एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है उसे हम फ्रेश चार्ज बोलेंगे। ठीक है, एक बार आया ईंधन जो हमारा एयर फ्यूल था वो बर्न हो गया। ठीक है, जो हमारा फ्यूल था बर्न हो गया, गैसेस निकल गई, तो अब वो फिर से फ्रेश चार्ज होगा, मतलब उसमें दोबारा से एयर और गैस का मिक्सचर जो है आएगा। ऑफ फ्यूल एंड एयर एडमिटेड इनटू द सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर में दोबारा से फ्रेश चार्ज आता है। ठीक है, एंड द पिस्टन मूव बैक टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन। मतलब इतने कार्य होने के बाद पिस्टन हमारा दोबारा से अपने कहां स्टार्टिंग पोजीशन पे पहुंच जाता है। ठीक है, द सिक्वेंस ऑफ इवेंट टेकिंग प्लेस इन एन इंजन इज द वर्किंग साइकिल ऑफ द आईसी इंजन। ठीक है, ये वाला सीक्वेंस जो है यही वर्किंग साइकिल है हमारे आईसी इंजन का। ठीक है, कौन कौन से आईसी इंजन में वर्क होते हैं, कार्य होते हैं सिलेंडर के अंदर, तो पहला है सक्शन। जब सक्शन होगा तो हमारा पिस्टन देखिए क्या होगा, पहले तो पिस्टन जो हमारा सिलेंडर में है वो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। एडमिशन ऑफ एयर आर एयर फ्यूल मिक्सचर इनसाइड द इंजन सिलेंडर। कहने का मतलब यह है कि सिलेंडर में ठीक है एयर और एयर फ्यूल का मिक्सचर आता है, किसमें, सक्शन वाले कार्य में। ठीक है, सक्शन में क्या कार्य होता है, एयर और या तो एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है सिलेंडर में आता है। ठीक है, अगला है कंप्रेशन। दूसरा कार्य क्या है, कंप्रेशन। कंप्रेशन ऑफ द एयर आर एयर फ्यूल मिक्सचर इनसाइड द इंजन। ठीक है, इस कार्य में क्या होता है, जो हमारा सक्शन में एयर फ्यूल मिक्सचर आया था ठीक है उसे कंप्रेस किया जाता है। ठीक है ना, इस वाले कार्य में क्या होता है, कंप्रेशन में एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, और तीसरा है पावर। इसमें क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ फ्यूल इन कंप्रेस्ड एयर फॉर इग्निशन ऑफ द फ्यूल। ठीक है, जो कंप्रेस्ड एयर है ठीक है जो कंप्रेस्ड एयर है उसे उसमें जो है कि फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, या तो
इग्निशन ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर बाय एन स्पार्किंग इलेक्ट्रिकल प्लग, ठीक है, स्पार्क प्लग जो हमारा होता है उसके माध्यम से एयर फ्यूल के मिक्सचर को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, ठीक है, टू प्रोड्यूस थर्मल पावर इनसाइड द सिलेंडर, थर्मल पावर सिलेंडर में लेने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। और हमारा जो लास्ट कार्य है वो एग्जस्ट है, जब हमारा सिलेंडर में फ्यूल बर्न हुआ तो क्या हुआ, कुछ गैसेस उसमें बचे हैं, तो वो एग्जस्ट वाले कार्य में क्या होता है, जो फ्यूल बर्न होने के बाद जो गैसेस रहती हैं वो रिमूव होती हैं, ठीक है, रिमूवल ऑफ द एग्जस्ट गैसेस फ्रॉम द सिलेंडर थ्रू एग्जस्ट वाल्व, एग्जस्ट वाल्व के माध्यम से जो हमारे एग्जस्ट गैसेस सिलेंडर में बची हैं वो रिमूव होती हैं। आज के लिए डियर स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है, हम लोग इसी लेक्चर का पार्ट सेकेंड जो है कल पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।